वेलकम गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग क्रिएट करेंगे लोगो इंट्रो और वो भी बहुत ही इजी स्टेप्स में। सो गाइस, बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले लोगो इंट्रो क्रिएट करने के लिए हम लोग इंपोर्ट करेंगे हमारे लोगो को। तो आप कोई भी लोगो यूज कर सकते हैं, आप अपने चैनल का नाम भी यूज कर सकते हैं, प्लस आप लोगो भी यूज कर सकते हैं। लोगो इंपोर्ट करने के बाद में हम लोग इंपोर्ट करेंगे स्लाइड। इसका ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी ही लिंक में दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे हम लोग इस तरह का स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं फिल्मोरा के अंदर, वो भी बहुत ही इजी स्टेप्स में। अब हम लोग लोगो को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारे टाइमलाइन के ऊपर और इसकी ड्यूरेशन को हम लोग इंक्रीज करेंगे और रखेंगे 7 सेकंड पे। लोगो की ड्यूरेशन 7 सेकंड पे करने के बाद में हम लोग स्लाइड को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे लोगो के ऊपर वाली लेयर के ऊपर एंड देन इस पे डबल क्लिक करेंगे और इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग चेंज करेंगे और कलर डॉज पे रखेंगे। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा। एक तरह का आपको रिफ्लेक्शन देगा ये। सो ओपेसिटी को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे और 60% पे रखेंगे। आप अपने हिसाब से ओपेसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं एंड प्ले करके देख सकते हैं, जहाँ पे आपको ओपेसिटी ठीक लगे आप उतना रखें। देन इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और अदर्स में फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे कि कहाँ पे हमको इसको एक्सपोर्ट करना है। फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद में हम लोग इसको नाम दे देंगे और नाम मैं इसको दे रहा हूँ लोगो, और सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, बेस्ट पे रखेंगे, फ्रेम रेट को 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे और बिट रेट को 30,000 पे करके एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। एक्सपोर्ट कंप्लीट होने के बाद में इन दोनों फाइल्स को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब हम लोग अदर एलिमेंट्स को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। सो अदर एलिमेंट्स जो हमें रिक्वायर है पूरा लोगो क्रिएट करने के लिए, उन सब एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। सभी एलिमेंट्स को यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद में बैकग्राउंड क्लिप को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम लोग ट्रैक 1 के ऊपर एंड देन प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाएंगे और फ्रेम रेट को 60 फ्रेम पर सेकंड पर रखेंगे एंड ओके प्रेस कर देंगे। अब हम लोग जो हमारा बैकग्राउंड फ्लेयर्स हैं उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 2 के ऊपर, डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर और इसके ब्लेंडिंग मोड को हम चेंज करेंगे और स्क्रीन पे कर देंगे। देन अगेन एक और बार इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन के ऊपर, डबल क्लिक करके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग स्क्रीन पे करेंगे एंड देन कलर्स में जाएंगे और एडवांस पे क्लिक करेंगे और ब्राइटन को सिलेक्ट करेंगे एंड ओके प्रेस कर देंगे। अब हम लोग हमारे लोगो को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 4 के ऊपर एंड देन इस पे भी डबल क्लिक करेंगे और इसके भी ब्लेंडिंग मोड को हम लोग चेंज करेंगे और स्क्रीन पे करेंगे। प्लेहेड को हम लोग स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके जाएंगे जहाँ से हमारा लोगो स्टार्ट हो रहा है, तो प्लेहेड को हम लोग 24 फ्रेम्स पे रखेंगे और 24 फ्रेम पे हम लोग की फ्रेम्स में जाएंगे और इसकी ओपेसिटी को हम लोग 0 कर देंगे 24th फ्रेम पे एंड देन प्ले हेड को हम लोग फर्दर लेके आएंगे और 1.12 की पोजीशन पे रखेंगे और यहाँ पे हम लोग इसकी ओपेसिटी को 100% कर देंगे। देन प्ले हेड को फर्दर लेके जाएंगे, प्ले हेड को हम लोग लेके जाएंगे और प्ले हेड को हम लोग रखेंगे 6 सेकंड पे। 6 सेकंड पे रखने के बाद में यहाँ पे हम लोग एक ब्लैंक की फ्रेम ऐड करेंगे एंड देन प्ले हेड को हम लोग लेके जाएंगे अराउंड 20 फ्रेम्स फर्दर और यहाँ पे हम लोग स्केल को इंक्रीज कर देंगे 400% पे स्केल को कर देंगे और ओपेसिटी को हम लोग डिक्रीज कर देंगे और अराउंड 1 or 2% के ऊपर हम लोग रखेंगे। डिपेंड्स कि आपको कितना रखना है, आप 0 पे भी कर सकते हैं, मैं इसको 18% पे रख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। इस लोगो फाइल को हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करने से पहले हम लोग ट्रांजिशन में जाएंगे, डिसॉल्व को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड पोजीशन पे और ट्रांजिशन की ड्यूरेशन को हम लोग रिड्यूस करेंगे और इसकी ड्यूरेशन को इस हिसाब से रिड्यूस करेंगे कि ये जस्ट हमारे जो सेकेंड की जो लास्ट की फ्रेम है उसके ऊपर कवर करें एंड देन इस लोगो को हम लोग कॉपी करेंगे, फर्दर पेस्ट करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम लोग टॉप लेयर के ऊपर। इसी तरह से इसको हम लोग 4 बार कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। अब हम लोग सेंटर फ्रेम को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन के ऊपर और टॉप लेयर के ऊपर इसको रखेंगे, डबल क्लिक करेंगे और इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग स्क्रीन पे रखेंगे और इसको सेंटर पॉइंट पे हम लोग कट करेंगे और जो फर्स्ट पार्ट है उस पर डबल क्लिक करेंगे और इसकी स्केल को हम लोग इंक्रीज कर देंगे और 400 पे कर देंगे और जो कट किया हुआ सेकेंड पार्ट है
उसको सिलेक्ट करेंगे और उसकी स्केल को हम लोग इंक्रीज कर देंगे 200 पे। इन दोनों को भी हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और फर्दर पेस्ट करेंगे, देन इसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे टॉप लेयर के ऊपर। अब हम लोग फायर वेव को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन के ऊपर और इसकी पोजीशन को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। पोजीशन डिफाइन करने के बाद में इस पर डबल क्लिक करेंगे और ब्लेंडिंग मोड को हम लोग स्क्रीन पे करेंगे और इसकी स्केल को हम लोग यहाँ पे इंक्रीज करेंगे और 170% पे कर देंगे। अगेन इसको भी एक बार हम लोग कॉपी करेंगे, फर्दर पेस्ट करेंगे और शिफ्ट कर देंगे हम लोग इसी ट्रैक के ऊपर वाले ट्रैक पे। अब हम लोग पार्टिकल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारी टाइमलाइन के ऊपर और इसकी पोजीशन को हम लोग डिफाइन करेंगे। इसको हम लोग सेट करेंगे एंड पोजीशन के साथ में एंड डबल क्लिक करके इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग चेंज करेंगे और लाइनर डॉज के ऊपर रखेंगे एंड अगेन एक बार कॉपी करके पेस्ट करेंगे और इसको शिफ्ट कर देंगे हम लोग टॉप लेयर के ऊपर। शिफ्ट करने से पहले इसकी स्केल को हम लोग 150 पे कर देंगे और इसको शिफ्ट कर देंगे टॉप लेयर के ऊपर। अब हम लोग जाएंगे इफेक्ट्स के अंदर और यहाँ पे हम सर्च करेंगे सिनेमा और सिनेमा 21:9 यानी कि सिनेमैटिक बार्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन के टॉप लेयर के ऊपर एंड ये हमारा लोगो पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो अब हम लोग इसको करेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड को हम लोग सेट करेंगे हमारे ब्लैक बार्स के हिसाब से एंड देन एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। आउटपुट फोल्डर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, मैं एलिमेंट्स ही सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इसको मैं नाम दे देता हूँ माई लोगो। फॉर्मेट हम लोग MP4 सेलेक्ट करेंगे एंड सेटिंग्स में हम लोग सेलेक्ट करेंगे बेस्ट, क्वालिटी को बेस्ट पे रखेंगे एंड ओके प्रेस करके एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये हमारी क्लिप पूरी तरह से एक्सपोर्ट हो चुकी है, तो चलिए देखते हैं कैसा लगेगा हमारा लोगो।